In the strokes of my brush, I find my world at Singhania Educational Institute, where colors speak my thoughts and the canvas listens. Her painting isn't just an art. It's the language of my imagination, nurtured and celebrated. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. मंगलवार की रात यूपी में राज्यसभा की 8 सीटों पर जीत से भाजपा खेमे में जोश भर गया है। पार्टी का लक्ष्य राज्यसभा नहीं बल्कि लोकसभा की सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करके केंद्र में मोदी सरकार की हैट्रिक बनाने का है। लिहाजा इस जीत के बाद पार्टी रणनीति में बदलाव कर सकती है। ऐसी चर्चा है कि भाजपा के कुछ मौजूदा MLA जिनका रिपोर्ट कार्ड बेहतर है उन्हें भाजपा लोकसभा के चुनाव में उतार सकती है। इसी कड़ी में दूसरे दलों से आ रहे कई बड़े नेताओं को भी भाजपा अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा सकती है। जाहिर है कि इतनी जगह बनाने के लिए भाजपा को कुछ अपने प्रत्याशियों के नाम काटने पड़ेंगे। वैसे भी भाजपा जिताऊ कैंडिडेट की तलाश में सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। ऐसे में कुछ अपनों को भी साइडलाइन लगाया जा सकता है। आइए बताते हैं यूपी में किन मौजूदा भाजपा सांसदों की दोबारा दावेदारी पर संशय की तलवार लटक गई है। सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है कि भाजपा रीता बहुगुणा जोशी, सत्यदेव पचौरी, देवेंद्र सिंह भोले, लल्लू सिंह, रमापतिराम त्रिपाठी, राजेंद्र अग्रवाल, सत्यपाल सिंह, संतोष गंगवार, संगम लाल गुप्ता और BL वर्मा को किनारे बैठा सकती है। चर्चा है कि मोहनलालगंज से सांसद और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर तथा लखीमपुर से सांसद और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी को भी भाजपा आराम दे सकती है। मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी की दोबारा दावेदारी पहले से ही सवालों के घेरे में है। कहा जा रहा है कि सुल्तानपुर और पीलीभीत दोनों सीटों पर भाजपा नए प्रत्याशी उतार सकती है। इसी तरह से मथुरा से सांसद फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी का भी टिकट कट सकता है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।